हाय स्टूडेंट्स, तो हमने प्रीवियसली बात की थी प्रीवियस वीडियो में कि पाइथन क्या है, उसका इंट्रोडक्शन, इसके अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं। उसी तरीके से हमने आगे ये भी बात की थी कि पाइथन में सिंटेक्स क्या होता है, कैसे हम कोड लिखते हैं, स्टार्टिंग में अगर हमें प्रिंट यूज़ करना है तो वो हम कैसे कर रहे हैं। साथ में हमने देखा था कमेंट, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन। उसके अलावा हमने कई सारे इसके फीचर्स देखे थे कि पाइथन क्या क्या चीज़ें कर सकता है, कैसे कैसे किस किस तरीके का हम डेवलपमेंट इसमें कर सकते हैं, और भी कई सारे पॉइंट्स थे। उसके साथ में मैंने कुछ चीज़ें आपको पढ़ने के लिए भी कहा था। तो स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है कि अभी हम बेसिक कर रहे हैं और ये बेसिक का सेकेंड लेसन होने जा रहा है। और इसी के साथ में एक्सरसाइज का भी एक फोल्डर बना रखा है, जैसे कि ये बेसिक एक्सरसाइज। तो बेसिक एक्सरसाइज जो थी प्रीवियस, वो आपको पता है कि यहाँ पे मैंने आपको पाइथन के बारे में थोड़ा सा पढ़ने के लिए कहा था, गिटहब के लिए और स्टैक फ्लो के बारे में। उम्मीद है कि ये पढ़ लिए होगे। अगर नहीं पढ़े हो तो प्रीवियस वीडियो देख के एक बार इसको पढ़ जरूर लेना, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप इनको छोड़ते हैं तो वो ठीक नहीं रहेगा। खैर, हम अभी बात करने जा रहे हैं वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल्स की हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक नया पेज बना लेते हैं। मैंने क्रिएट किया और टू पॉइंट करके मैं यहाँ पे वेरिएबल्स डॉट पाई, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैं इस यूज कर ले रहा हूँ मैं यहाँ पर यूज कर ले रहा हूँ ठीक है। तो अगर वेरिएबल की बात करूं तो मैंने एक पेज क्रिएट कर लिया है, और इसी के साथ में ये कुछ चीज़ें लिंक्स हैं जो मैंने दे दिया है। अगर आप यहाँ से भी जाना चाहते हो तो यूट्यूब के चैनल पे कई सारे लिंक्स हैं वीडियोस के, उनका थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिंक्स दिया हुआ है। तो हम वेरिएबल्स की बात करते हैं। वेरिएबल्स के बारे में अगर बात करें तो आपने अगर प्रीवियस कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो आपको आइडिया होगा। अगर नहीं है तो भी एक बार हम देख लेते हैं कि वेरिएबल्स हैं क्या। तो सिंपली अगर मैं बात करूं तो वेरिएबल कुछ नई अनोखी चीज़ नहीं है। जो काम हम प्रीवियसली करते आ रहे हैं मैथ वगैरह में, जैसे अगर हम बात करते हैं, आपको कमेंट पता चली गया है कि हम अगर तीन तीन के पेयर में सिंगल कोट लिखते हैं तो वो मल्टी लाइन कमेंट हो जाता है। तो अगर मैं बात करूँ मैथ की, कि मैथ में हम कोई भी इक्वेशन वगैरह भी लिखते हैं अगर, तो मैथ में हम कैसे लिखते हैं। जैसे मान लो कि मुझे लिखना है कि ए इक्वल टू 3 एंड बी इक्वल टू 5। दो वैल्यूज़ हैं जिसमें कि वैल्यू पड़ी, और हम को अगर प्लस करना है 3 5 प्लस, तो हमने मैथ में लिखा हुआ है ए इक्वल टू 3 एंड बी इक्वल टू 5। देन एक हमने सी वैल्यू ली एंड सी इक्वल टू ए प्लस बी। दैट मीन्स कि क्या हो गया, इसका आंसर आ जाएगा कि 3 प्लस 5 इक्वल टू 8। ऐसा ही हम मैथ में लिखते हैं सिंपली। अगर कोई भी वैल्यू हमने ए बी सी कुछ भी लिखकर इक्वल टू करके कुछ भी लिख दिया, उसका मतलब होता है कि इस ए के अंदर एक्चुअल में ये 3 पड़ा हुआ है, वैसे ही बी के अंदर ये 5 पड़ा हुआ है, उसने स्टोर कर रखा है। और अगर हम सी इक्वल टू ए प्लस बी लिखते हैं, दैट मीन्स कि सी के अंदर आंसर है ए प्लस बी का। यही सेम पैटर्न फॉलो करता है पाइथन भी। पाइथन में अच्छी बात यह है कि बाकी लैंग्वेजेस में अगर हम जाएं तो वहाँ पर वेरिएबल्स हमें डिफाइन करना पड़ता है, जैसे कि एक वेर कीवर्ड होता है, उसके साथ में फिर हम लिखते हैं वेर। जैसे मान लो ए हमारा वेरिएबल है, और उसके बाद में हम लिखते हैं जो भी वैल्यू लिखनी हो, जैसे 5 या 6। और कुछ लैंग्वेजेस होते हैं जैसे पीएचपी लैंग्वेज है, उसमें अगर हमें वेरिएबल डिफाइन करना होता है तो हमें सबसे पहले डॉलर साइन लिखना पड़ता है, और उसके बाद में वेरिएबल का नाम, इसके बाद में इक्वल टू करके जो वैल्यू हम असाइन करना चाहते हैं इस वेरिएबल को। तो पाइथन में क्या है कि ये केस आपको देखने को मिलता है सी प्लस प्लस में, माइट बी सी में भी ऐसा ही कुछ होता है।
उसी तरीके से अगर हम बात करें पीएचपी में, तो पीएचपी में आपको डॉलर साइन मिलता है, बट अगर हम बात करते हैं पाइथन की, तो पाइथन में आपको क्या मिलता है, सिंपली जैसा हम लिखते हैं मैथ में उसी तरीके से ए इक्वल टू सिक्स। तो ये तो हो गया पाइथन, इसीलिए पाइथन बहुत आसान हो जाता है कि आप जो प्रीवियसली करते आ रहे हैं वैसा ही सारा काम आपको यहाँ पर भी करना होता है। तो अब अगर हम बात करें कि हम वेरिएबल इस तरीके से लिख रहे हैं, तो उसको हम एक बार लिख कर भी देखते हैं। मान लो कि मैंने लिख दिया ए इक्वल टू, ध्यान देना कि ये कमेंट यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, और यहाँ पर अब मैं वैल्यू असाइन करता हूँ ए इक्वल टू 5। इसको देखने के लिए हमें क्या यूज करना है, जिससे कि हम आउटपुट देखते हैं पाइथन में, और पाइथन में हम आउटपुट देख रहे हैं प्रिंट फंक्शन से। अगर इस तरीके से कभी भी कोई भी लिखा हुआ सिंटेक्स मिल रहा है कि मान लो ये कीवर्ड है प्रिंट और उसके आगे स्मॉल ब्रैकेट, इसका मतलब हमेशा यही होगा कि ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, क्योंकि आपने तो ऊपर कहीं कुछ लिखा नहीं है कि प्रिंट को पहले से आपने कुछ बोला हो कि वो प्रिंट लिखे, ऐसा कुछ करे। दैट मीन्स कि प्रिंट एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि पहले से ही बना हुआ है, इसको हमने नहीं बनाया है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली कमेंट लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ, मुझे तो पता है कि प्रिंट का काम क्या है, ये प्रीडिफाइन फंक्शन है, इसके अंदर और कितने पैरामीटर्स पास होंगे, बट आप नए हो, आपको नहीं पता है, तो आप अगर कमेंट लिखते हो, जो मैं आपको बता रहा हूँ आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, प्लस यहाँ से ही मैं देख कर बता रहा हूँ W3 स्कूल से, तो आप यहाँ पर भी जाकर इसके बारे में पढ़ सकते हो, बट एक बार पढ़ लेने भर से कोई भी चीज़ अगर हम नहीं देख रहे हैं तो वो आ नहीं पाती है, इसीलिए उसको बार बार हमें रिपीट करना होता है। और खासकर मैं आपको थ्योरी पार्ट कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ कि मैंने एक सिंपल सा W3 खोल लिया और मैं यहाँ पर आपको बताता जा रहा हूँ कि अच्छा ठीक है, ये क्रिएटिंग वैल्यू, वेरिएबल्स आर कंटेनिंग ये वो, नहीं, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि किन किन चीज़ों से क्या क्या वर्क हो रहा है, और आप एट द लास्ट इसके हर एक स्टेप, हर एक प्रोसीजर, हर एक फंक्शनैलिटी को यूज करके कैसे आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूँ, बट थियोरेटिकली उसका वर्क भी आपको पता होना चाहिए। तो सिंपली आप कॉपी कलम लेकर मत बैठे, कोई भी इसके लिए आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है नोट्स वगैरह। सिंपली आप जितनी बार प्रोग्राम लिख रहे हो उतनी बार आप उसके लिए कमेंट भी लिखो। जब आपने ए इक्वल टू 5 किया, आपको पता है अच्छा कि हाँ ए क्या है, 5 क्या है, बट आप फिर भी स्टार्टिंग में 2-4 बार लिखो, जब तक कि आप खुद से कन्फर्म ना हो जाओ कि ए क्या है और 5 क्या है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि ए एक वेरिएबल नेम है और 5 वैल्यू है जो कि ए को असाइन की गई है। सिंपली आपको जैसे भी समझ में आ रहा है आप लिख दो। मैं तो पूरा ट्यूटोरियल और सब कुछ हिंदी में बना रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर बाकायदे हिंदी में ही लिख रहा हूँ, और आप भी कोशिश ये करो कमेंट अपनी भाषा में लिखो, किसी को दिखाने के लिए नहीं लिख रहे हो, खुद को समझने के लिए लिख रहे हो, इसलिए कोशिश करो कि कमेंट अपनी भाषा में लिखो। इसको जब लिखोगे बार बार, 3-4 बार, 10 बार लिख दोगे, तो खुद ब खुद याद हो जाएगा, फिर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी तरीके से अब हमें करना क्या है कि हमें बस चेक करना है कि क्या एक्चुअल में ए को जब हम प्रिंट करते हैं तो वो हमें 5 देता है कि नहीं। सिंपली हमने यहाँ पर क्लिक किया, और क्लिक करने के साथ में इस टर्मिनल पैनल पे हमको ए की वैल्यू मिल जाएगी। अब अगर मैं बात करूँ कि ये 5 जो है इस लाइन से ऊपर वाली से सटा हुआ आ रहा है, तो मुझे उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर प्रिंट में एक न्यू लाइन देनी है, और उसके लिए क्या करना है, स्ट्रिंग का ब्रैकेट ओपन करना है। सिंगल कोट डबल बार लिखा है, दैट मीन्स कि यहाँ पर कुछ भी लिखी गई वैल्यू एक स्ट्रिंग ही होगी। इसमें क्या पास करना है, फॉरवर्ड स्लैश एंड एन, इससे क्या होगा, एक स्पेस मुझे मिल जाएगा। अब मैं अगर इस प्रोग्राम को फिर से रन करूंगा तो ऊपर से एक लाइन का स्पेस मुझे इजीली मिल चुका है। तो ये तो बात हुई कि ठीक है, ये वेरिएबल में मैंने एक वैल्यू असाइन की, बट वेरिएबल का काम क्या होता है, वेरिएबल का काम सिंपली यही है कि कभी भी कोई भी वैल्यू आप स्टोर करके रखो। तो अगर हम फिर से यहाँ पर कुछ कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट लिखते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं वेरिएबल क्या है, तो अगर हम पॉइंट लिखते हैं वेरिएबल एक होल्डर ही तो है कि वो किसी भी तरीके की वैल्यू को होल्ड करके रख रहा है। तो हम अगर समझने के लिए इसको बोलें तो वेरिएबल एक होल्डर है
जो कि किसी भी वैल्यू को होल्ड करके रखता है। सिंपल सा अगर हम इसका एग्जांपल लेना चाहें तो पोस्टमैन। पोस्टमैन क्या करता है? हम कोई खत लिखते हैं और उस खत को किसी को हमें भेजना होता है तो हम पोस्टमैन का यूज करते हैं। वैसे ही ये वेरिएबल्स को हमने कुछ वैल्यू असाइन की है, इन वैल्यूज़ को हमें आगे कहीं भेजना होगा, लेकिन अभी हमने खत लिखकर रख दिया है, तो वैसे ही ये वेरिएबल हैं, इसमें हमने वैल्यू असाइन करके रख दिया है। जब हम आगे कंडीशंस, फंक्शंस, लूप्स वगैरह यूज करेंगे तब इन्हीं वैल्यूज़ को हम यूज करेंगे उस समय। तो इस समय हमने सिंपली बस वैल्यूज़ को असाइन करके रखा है, लेकिन जिन वैल्यूज़ को हमने असाइन करके रखा है उन्हें हम देखना भी चाहते हैं कि वो हमें प्रिंट में दिख भी रहे हैं कि नहीं, उसी के लिए हम यूज कर रहे हैं प्रिंट। तो वेरिएबल सिंपली क्या कर रहा है, वैल्यूज़ को होल्ड करके रख रहा है। अब सिंपल सी बात है, ध्यान देना, वेरिएबल हमेशा आपको दो ही तरीके के मिलेगा। एक होता है कि कोई एक वैल्यू होल्ड करके रखे, जैसे कि एक पोस्टमैन है, हम उसको कोई एक खत दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि हम पोस्टमैन को एक साथ 10, 20, 50 खत दें 50 जगह भेजने के लिए। वैसे ही वेरिएबल का भी काम होता है कि एक वेरिएबल एक साथ एक वैल्यू को या तो स्टोर करे, जैसे कि यहाँ पे ए इक्वल टू 5 दिया है, वैसे ही मैं चाहता हूँ कि ए जो है केवल एक वैल्यू यानी कि 5 को ना लेकर 2, 4, 10 वैल्यूज़ को स्टोर करे। तो वहाँ पर क्या यूज किया जाता है, एरे या ऑब्जेक्ट। इसको अभी हम आगे देखेंगे कि डेटा टाइप में हमको देखने को मिलेगा वो सब कुछ, नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स है, ठीक उसके बाद में डेटा टाइप्स है। तो वेरिएबल का काम बस यही है कि ये एक वैल्यू इसको असाइन कर दी जाती है, वो वैल्यू सिंगल वैल्यू भी हो सकती है या मल्टीपल वैल्यू भी हो सकती है। तो वेरिएबल जो है वो सिंगल वैल्यू या मल्टीपल वैल्यू होल्ड कर सकता है। अगर आपने पहले एरे और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा हो तो आपको तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि हाँ, हम जो एरे या ऑब्जेक्ट यूज करते थे उस समय, उसमें हम पूरी की पूरी एक लिस्ट ही स्टोर करके रखते हैं। और अगर आपने एरे पढ़ा होगा तो उसके साथ में याद होगा कि एरे में सर्चिंग और सॉर्टिंग मिलती है। सर्चिंग सॉर्टिंग होती है जिससे कि हम वैल्यूज़ को सर्च या सॉर्ट करते हैं, और उसके अंदर वैल्यूज़ जो होती हैं एरे के अंदर वो इंडेक्स फॉर्म में होती है। वैसे ही ऑब्जेक्ट जो होता है वो भी इंडेक्स फॉर्म में होता है, बट वो एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है। तो ठीक है, वो तो हम अभी आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको कुछ नए टर्म्स बताए, इसको अगर आपने सुन लिया है, नेक्स्ट में हम देखेंगे या पढ़ेंगे, उससे पहले आप चाहते हो खुद से जानना तो इसको जाकर गूगल पे सिंपली सर्च करो और देखो कि ये एरे क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। अगर आप न्यू भी हो तो एक बार ज़रूर रिसर्च करो, जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आपको समझने को मिलेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो मैं आपको बताना भूल जाऊँ, स्किप हो जाए, बट आप अगर पढ़ के आते हो तो आपको कम से कम वो एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगा और समझ में आ जाएगा अच्छे से कि अच्छा क्या है एरे और क्या है ऑब्जेक्ट। तो एरे या ऑब्जेक्ट मल्टीपल वैल्यूज होल्ड करते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें कि हमने ऊपर ए इक्वल टू 5 लिख दिया और प्रिंट करके हमने देखा कि वो 5 दे रहा है, बट अगर हम बात करते हैं कि ये 5 है क्या, 5 कर क्या रहा है, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ मिलेंगी, डेटा टाइप में। अभी के लिए बस हम क्या देख ले रहे हैं कि ये 5 स्टोर कर रहा है। लेकिन छोटी सी एक चीज़ यहाँ पर और हम देखते चलते हैं वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल आपको आगे मिलेगा और आप पढ़ोगे भी कि वेरिएबल जो होते हैं, चौथा पॉइंट, वेरिएबल दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के होते हैं का मतलब यह है कि सिंपली एक तो आपका हो गया लोकल वेरिएबल और दूसरा हो गया आपका ग्लोबल वेरिएबल। एकदम सही, ग्लोबल वेरिएबल। अंतर क्या है, लोकल वेरिएबल जो होता है, अगर हम इसकी बात करते हैं लोकल वेरिएबल की, तो लोकल वेरिएबल का एक स्पेसिफिक दायरा होता है, दैट मीन्स कि कह लो तो एक बाउंड्री होती है।
लेकिन ग्लोबल वेरिएबल जो है, ग्लोबल वेरिएबल हर एक जगह एक्सेसिबल होता है। अभी आप आगे देखोगे इसको कि लोकल वेरिएबल क्या है, ग्लोबल वेरिएबल क्या है, इसके लिए जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तभी ये इस्तेमाल में आएगा। फंक्शन अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है, अदरवाइज इसको एक बार ज़रूर पढ़ लेना। तो मैं यहाँ पर नोट्स लिख दे रहा हूँ यहीं पर, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ये ज़रूर करना। इन टॉपिक्स को एक बार पढ़ लो। टॉपिक्स क्या हो गए? पहला तो हो गया कि एरे, सिंपली आप गूगल में डालना व्हाट इज एरे। दूसरी चीज हो गई आपकी व्हाट इज ऑब्जेक्ट। तीसरा पॉइंट हो गया आपका व्हाट इज फंक्शन। ठीक है, इन पॉइंट्स को पढ़ लेना, इन्हीं को मैं अभी कट करके बेसिक एक्सरसाइज में भी रख दूंगा। इनसे जब हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का काम सिंपल सा अगर हम समझे, तो मान लो कि आपके कॉलेज में कोई फंक्शन हो रहा है और कॉलेज में फंक्शन के दौरान कुछ स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं, आपकी कॉलेज फैकल्टी है और आप हो, तो स्टूडेंट्स क्या है, एकदम पीछे वाली रो में है स्टूडेंट सेक्शन में, और आपकी फैकल्टी जो है वो फैकल्टी वाले सेक्शन रो में बैठी हुई है, और जो वीआईपी गेस्ट हैं वो आगे बैठे हुए हैं। तो इस केस में आप ना फैकल्टी के सेक्शन में जा सकते हो और ना ही वीआईपी सेक्शन में। दैट मीन्स कि आप एक लोकल वेरिएबल हो, दैट मीन्स कि आपको एक लोकल एरिया असाइन किया गया है कि आप अपने ही रोज में रहोगे। लेकिन आपके जो टीचर हैं, फैकल्टी हैं, वो ग्लोबल वेरिएबल हैं। दैट मीन्स कि वो आपको चुप कराने के लिए, शांत कराने के लिए आपकी भी रो में आ सकते हैं, और इन केस वीआईपी मेंबर्स को बैठने में कोई दिक्कत हो रही है, कुछ सजेशन चाहिए, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आपकी फैकल्टी उठ के उनके रो में भी जा सकती है। दैट मीन्स कि आपकी फैकल्टी जो है वो ग्लोबली वर्क कर रही है, वो आपकी भी रो में आएगी और वीआईपी मेंबर्स की। ऐसा ही कुछ, ये एक एग्जांपल है, ऐसा ही कुछ लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का काम होता है जो कि हम आगे अभी देखेंगे। ग्लोबल वेरिएबल को हम फंक्शन में देखेंगे, जब हम यहाँ से वेरिएबल खत्म हो जाएगा, डेटा टाइप है, नंबर्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पर हमको मिलेगा फंक्शन, तभी ये समझ में आएगा। यहाँ पर भी दिया गया है, अभी समझने के बाद में एक बार मैं इसको भी गो थ्रू करूँगा, लेकिन अभी हम छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर पहले समझ ले रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें मिलने वाली हैं। तो अभी तो वेरिएबल के बारे में हमने समझ लिया कि लोकल वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल है, और इसका क्या क्या एक्सेस का काम है। उसी तरीके से वेरिएबल जो है वो किस टाइप की डेटा को होल्ड करके रखा है, ये भी जानना ज़रूरी है। हो सकता है उसमें 5 लिखा हुआ है, हो सकता है जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि नेम इक्वल टू, और मैंने यहाँ पे लिख दिया हे क्या करूँ। क्या करना है पता है ना, पढ़ते जाओ और स्टेप बाय स्टेप पढ़ो। कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, कुछ दिमाग में है तो कमेंट करो उसके लिए। अब अगर इस वैल्यू को मैं प्रिंट कराना चाहूँ, न्यू लाइन लगा देते हैं, सिंगल कोट बैकस्लैश एन कॉमा के साथ में नेम। अब अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ तो यहाँ पर मुझे दो वैल्यूज मिलेंगी, एक तो 5 और एक हे क्या करूँ। अब आपको पता है 5 क्या है, एक नंबर है, हे क्या करूँ क्या है, एक सिंटेक्स है। ठीक है, इसको यहाँ पर क्या कहा जाता है, स्ट्रिंग कहा जाता है। तो ये एक स्ट्रिंग है, और ऊपर जो 5 है नंबर है, ये एक इंटीजर वैल्यू है। दो ही तरीके की वैल्यूज होती है, एक नंबर और एक डेसिमल नंबर। तो 5 एक इंटीजर है, ये कैसा पता चले, और हे क्या करूं जो है वो एक स्ट्रिंग है, ये कैसे पता चले। तो उसके लिए हमें क्या मिलता है, सिंपली प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हमको मिलता है टाइप। ये टाइप हमें बता देता है कि ये वेरिएबल का टाइप क्या है। जैसे हम लोगों में होता है ना कास्ट, जाति, ये कुर्मी, ये ब्राह्मण, ये अहीर, ये यादव, इस तरीके से, ऐसे ही यहाँ पर ये टाइप जो है वो कास्ट बताता है उस वेरिएबल की, मतलब कि वो वेरिएबल किस टाइप के डेटा को होल्ड करके रखा है। तो अगर हम नेम की बात करें तो नेम ने क्या कर रखा है, तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, पहला पैरामीटर में न्यू लाइन दे देते हैं ताकि जो आउटपुट दिखे हमें सही से दिखे। और यहाँ पर हम ये भी दे सकते हैं नीचे, हमको आउटपुट जो है वो समझ में आए कि किसका कौन सा आउटपुट है। तो
नेम का टाइप, ठीक, ये पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग ही है, ध्यान रखना, क्योंकि ये सिंगल कोट के अंदर ही है, और यहाँ पर एक स्पेस दे देता हूँ, तो अब ये क्या करेगा, नेम का टाइप देगा। ऐसे ही एक और ले लेते हैं, यहाँ पर ए की भी वैल्यू दी गई थी ऊपर है, ठीक है, तो एक तो ए था जो हमने ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है, ए इक्वल टू 5, और दूसरी कौन सी वैल्यू होगी, दूसरी वैल्यू होगी ये नेम। तो हमने दोनों का ही यहाँ पर क्या ले लिया है, टाइप चेक करने के लिए प्रिंट दे दिया है। अब इसको अगर हम चेक करते हैं रन कराकर, तो ध्यान दो 5 और हे क्या करूँ है, लेकिन नीचे नेम का टाइप, ओ एक चीज़ रह गई, यहाँ पर करना था ए का टाइप, ठीक, फिर से एक बार रन करते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। ए का टाइप, ए का टाइप क्या है, क्लास इंटीजर, दैट मीन्स कि 5 जो था वो एक इंटीजर है, अब ये हमको फिक्स पता चल गया। दूसरा नेम जो है इसका टाइप क्या है, str, दैट मीन्स कि स्ट्रिंग, दैट मीन्स कि ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। अब आप कहोगे कि ये करने की ज़रूरत क्या थी, वो तो हमें सीधे सीधे दिख ही रहा था, तो इसके लिए सिंपली सा एक काम हम करते हैं कि ये जो 5 था इसकी वैल्यू अभी तक तो इंटीजर है, आपको देख के पता चल रहा है, मैं सिंपली यहाँ पर सिंगल कोट कर देता हूँ, ठीक है। आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि सिंगल कोट के अंदर अगर कुछ भी लिखा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा। बट अब ध्यान देने वाली बात है कि मैं फिर से इसको एक बार रन कर रहा हूँ, और रन करने के साथ में ध्यान देना, ये 5 आया यहाँ पर, भले आपको ये 5 दिख रहा है सिंगल कोट के अंदर है, डजेंट मैटर, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये 5 सिंगल कोट के अंदर नहीं है। यहाँ पर देखने से क्या लग रहा है कि ये तो एक इंटीजर वैल्यू ही है, नीचे वाली भले कह सकते हो कि हाँ ये एक स्ट्रिंग है, बट इसकी क्लियरिफिकेशन कौन कर रहा है, ये टाइप जो हमने चेक किया था कि ए का टाइप इस समय क्या हो गया, str, नेम का टाइप तो str था। ऐसे ही केस के लिए हमें ये चेक करना पड़ता है कि एक्चुअल में उस वेरिएबल ने किस टाइप की वैल्यू को होल्ड करके रखा है, और इस काम के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक टाइप नाम का प्रीडिफाइन फंक्शन है। प्रीडिफाइन फंक्शन है मैंने क्यों कहा, क्योंकि ध्यान दो ये पूरा का पूरा काम क्या हो रहा है, टाइप स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हो रहा है, टाइप जो है ये क्या है, ये एक प्री डिफाइन फंक्शन है जो कि वेरिएबल के टाइप को बताता है। ऐसे ही कमेंट लिखो, आप भी कर रहे हो तो अगर समझ में आ गया है तो आप जहाँ कहीं भी दोबारा रीयूज कर रहे हो वहाँ पे जरूर कमेंट लिखो ताकि ये समझ में आए। तो ये तो एक चीज़ हो गई कि हमको टाइप पता चल गया। उसी तरीके से पाइथन के अंदर एक काम और होता है कि जैसे हमने ऊपर अभी क्या किया, ए इक्वल टू 5 किया था, और दूसरे में हमने क्या लिखा, नेम इक्वल टू हे क्या करूँ, एक इंटीजर हो गया और दूसरा स्ट्रिंग हो गया। हमने अभी तक क्या किया, एक एक वैल्यू ही असाइन की है। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, एक साथ कई सारे वेरिएबल्स को कई सारी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं बी कॉमा सी कॉमा डी, और इक्वल टू हम करते हैं बी सी और डी को, हम 3 अलग अलग वैल्यू असाइन करेंगे, सिस्टम सेम रहेगा। एक को हमने किया 10 कॉमा 20 कॉमा 30, इससे क्या हुआ, सिंपली बी में 10 असाइन हो गया, सी को 20 असाइन हो गया, और डी को 30 असाइन हो गया एक बार में ही। तो सिंगल टाइम में हम 3 अलग अलग वेरिएबल्स को 3 वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप चाहो तो 3 अलग अलग वेरिएबल्स को एक साथ एक ही वैल्यू भी असाइन कर सकते हो। ये घुमाना फिराने वाली बात है, अगर अभी कन्फ्यूजन हो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देना, धीरे धीरे करके ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ कि एक साथ एक से ज़्यादा वेरिएबल को एक बार में अलग अलग वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही हम और क्या कर सकते हैं, ऐसे ही हम कई सारे वेरिएबल्स को एक ही वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जैसे कि ए पहले ही हो गया था, बी सी डी हो गया है, अब हम क्या करते हैं, ई एफ और जी इक्वल टू क्या कर देते हैं, 40। ये क्या हुआ,
एक साथ ई एफ और जी को 40 असाइन हो गया, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, हम एक साथ कई वेरिएबल्स को एक ही वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ये तो हो गया, तो इसका आउटपुट भी देख लेते हैं इसी वक्त। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट एक लाइन का स्पेस दे देते हैं ताकि आउटपुट हमें अच्छे से दिखे। तो हम दे दे रहे हैं बी सी और डी, बी सी डी की वैल्यू, बी सी डी की वैल्यू। दैट मीन्स कि अब यहाँ पर हमें क्या करना है, तीनों की वैल्यू अलग अलग असाइन करनी है। तो असाइन तो हो चुकी है, हमें तीनों की वैल्यूज़ को देखना है। तो कॉमा किया हमने यहाँ पर, वी लिखा, वी लिखने के बाद में हमने यहाँ पर इसको 3 बार कॉपी कर लेता हूँ, और 3 बार कॉपी करने के बाद में यहाँ पर सी की वैल्यू हो गई, यहाँ पर डी की वैल्यू हो गई, उसी तरीके से यहाँ पर सी की वैल्यू आउटपुट, और यहाँ पर हो जाएगा डी। ये किसके लिए हो गया, केवल बी सी और डी को देखना है, ध्यान रखना 10, 20 और 30। तो इसी को हम अभी रन करते हैं, बी की वैल्यू 10, सी की वैल्यू 20 और डी की वैल्यू 30। दैट मीन्स कि तीन अलग अलग वेरिएबल्स को तीन अलग अलग वैल्यू असाइन हो चुकी है। इसी तरीके से अभी हमने नीचे वाले का आउटपुट देखा नहीं था, इसका भी आउटपुट हम इसी समय देख लेते हैं, कि इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के साथ में यहाँ पर वैल्यूज़ को चेंज कर देना है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ई और इसकी वैल्यू एफ एंड जी। उसी तरीके से यहाँ पर भी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब अगर हम इसको रन करते हैं तो ध्यान देना कि इनकी वैल्यूज़ भी हमको मिलेगी। सिंटेक्स एरर कहाँ पर आए, ई एफ जी कैन नॉट अनपैक नन इंटरेबल इंट ऑब्जेक्ट। ओके, ई एफ और जी को हमने 40 असाइन किया था, और गलती कहाँ की हमने, बी सी डी जो है इनको हमने 3 वैल्यूज असाइन की थी, ई एफ जी इक्वल टू 40 किया है। यहाँ पर हमने ई की वैल्यू चेक की, यहाँ पे एफ की, और यहाँ पर हमने जी की वैल्यू चेक की, ठीक है। कैन नॉट अनपैक नॉट इटरेबल वैल्यू, ओके। दैट मीन्स कि अब यहाँ पर अगर प्रॉब्लम आई है तो हम क्या करते हैं, पहले इस लाइन को कमेंट कर देते हैं, और यहाँ पर हम चेक करते हैं सबसे पहले टाइप, किसी एक का ही टाइप चेक करते हैं, ई का। तो रन करते हैं, तो डी की वैल्यू के बाद में हमको क्या मिल रहा है कि ट्रैकेबल में इन मॉड्यूल ई एफ और जी इक्वल टू 40। कुछ गलती हुई है शायद, बट सिंटेक्स जो होता है इसका वो कुछ ऐसा ही होता है। ऐसा क्यों हो रहा है देखना पड़ेगा। ई एफ और जी वैल्यू सेम है, ठीक है। इसको अभी हम देखते हैं फर्दर, इसको मैं अभी के लिए कमेंट कर रहा हूँ, ये अभी हम जब वो देखेंगे आगे W3 से तो देख लेते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करना है। तो यही था कि अभी हमने क्या देखा है कि एक साथ तीन अलग अलग वेरिएबल्स को तीन अलग अलग वैल्यूज़ वन टाइम में हम असाइन कर सकते हैं। तो ये तो अभी तक की बात थी, एक बार हम यहाँ से फिर से ओवरव्यू करते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो छूट रही हैं। सबसे पहले तो हम वेरिएबल को कैसे क्रिएट कर रहे हैं, वेरिएबल क्रिएट करना आपको पता चल गया कि हम कोई भी सिंपली एक्स वाई जेड कुछ भी वेरिएबल लिखते हैं और उसको हम वैल्यू असाइन कर देते हैं। क्या यूज़ करना पड़ता है ऑपरेटर्स के लिए, इक्वल टू ऑपरेटर्स अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, तब आप ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ोगे। और अभी जो हमने देखा कि वेरिएबल को हम जो वैल्यू असाइन कर रहे हैं उस वैल्यू का डेटा टाइप क्या है टाइप के थ्रू, तो डेटा टाइप में उस चीज़ को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दो, एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग वैल्यू असाइन की गई दो अलग अलग वेरिएबल्स को, और उनको प्रिंट करके चेक कर लिया गया। उसी तरीके से अगर हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पर क्या किया गया, सिंपली वही काम किया गया, और उसके साथ में
इन लाइन कमेंट दिया गया है कि उसी लाइन में कमेंट लिख दिया गया है, ऐसा हम कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर क्या किया गया, हम सिंगल कोट में लिखें या डबल कोट में लिखें डजेंट मैटर, जैसे कि हम सिंगल लाइन कमेंट करें या मल्टी लाइन कमेंट के लिए हम सिंगल कोट यूज करें या डबल कोट यूज करें। उसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं, हाँ एक खास चीज़ जो मैंने मिस कर दी थी कि हम वेरिएबल्स को स्टार्ट कैसे करते हैं, बताते समय इस चीज़ का ध्यान नहीं रहा। तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है, ठीक था, इसी के आगे हम लिखते हैं यहाँ पर वेरिएबल को डिफाइन करते टाइम। जो आपने अगर सी सी प्लस प्लस प्रीवियसली कोई लैंग्वेज पढ़ी है तो उसमें भी यही सेम कॉन्सेप्ट होता है कि हम वेरिएबल को असाइन करते समय यानी कि नामकरण करते समय किन बातों का ध्यान रखते हैं। तो केवल और केवल दो ही बातों का ध्यान रखना है, एक तो वेरिएबल नेम कभी भी इंटीजर नंबर से, कभी भी नंबर से नहीं स्टार्ट होता है, और दूसरी चीज कभी भी वेरिएबल के अंदर कभी भी स्पेस या स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज करते हैं। सिंपली इसका मतलब ये हुआ जो यहाँ पर लिखा है वही हम देख लेते हैं कि वेरिएबल का नाम जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो तो वो एक स्ट्रिंग वैल्यू होनी चाहिए, दैट मीन्स कि अल्फाबेट होना चाहिए, ए बी सी डी कुछ भी लिख लो, स्मॉल में लिखो या कैपिटल में लिखो, डजेंट मैटर। उसी के साथ में आपने अगर सी सी प्लस पढ़ा होगा तो एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है जिसमें कि आगे लगा होता है अंडरस्कोर, इसीलिए ये कह रहा है कि आप वेरिएबल क्रिएट करते समय या तो ए बी सी डी कोई भी अल्फ़ाबेट लिख दो या फिर उससे पहले आप अंडरस्कोर लगा सकते हो, आपको एरर नहीं मिलेगा। उसी के साथ में कभी भी वेरिएबल का नाम आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो, हमेशा ए बी सी डी लिखकर वेरिएबल का नाम स्टार्ट करो, उसके पीछे आप नंबर लिखना चाहते हो तो लिख दो, कोई टेंशन नहीं है। तो वेरिएबल जो है वो अल्फा न्यूमेरिक को कंटेन करता है, बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि फर्स्ट लेटर जो है वो या तो अंडरस्कोर हो या कोई अल्फ़ाबेट हो, अल्फ़ाबेट के बाद में कोई भी नंबर यूज कर सकते हो। तो इसके अलावा एक खास चीज़ क्या है कि वेरिएबल्स हमेशा केस सेंसिटिव होते हैं। इसको समझने के लिए सिंपल ही समझ लीजिए कि जैसे आपका कोई एक आईडी कार्ड है, मान लो एक 10th की मार्कशीट है और एक 12th की मार्कशीट है, अगर दोनों में आपके नाम की स्पेलिंग में कोई भी लेटर कैपिटल या स्मॉल हुआ है या फिर चेंज हुआ है तो आपकी वो दो आईडी मानी जाती है, दैट मीन्स कि दो अलग अलग व्यक्ति। वैसा ही काम यहाँ पर होता है कि अगर ये एज स्मॉल में लिखा हुआ है और इस एज में एक कैपिटल लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि ये दोनों अलग अलग वेरिएबल है, एक वेरिएबल नहीं है। तो इसको हम इसी वक्त प्रैक्टिकल करके बिल्कुल देख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहीं पर लिखते हैं कैपिटल ए, ठीक है, नहीं कैपिटल ए नहीं, एक अलग से ही लेते हैं हम, क्यू इक्वल टू हेलो क्यू, और एक वैल्यू लेते हैं कैपिटल क्यू इक्वल टू हेलो क्यू, और दोनों को अगर हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट, और न्यू लाइन ले लेते हैं, कॉमा कर देते हैं, और इसके साथ में इसको हम डबल बार प्रिंट करके यहाँ पे स्मॉल क्यू क्यू वैल्यू, और यहाँ पर हो गया कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू वैल्यू इक्वल टू कैपिटल क्यू। इसको अगर हम रन करेंगे, खैर इससे कोई ज़्यादा मतलब तो नहीं पड़ेगा, बट आपको दिखा देता हूँ कि हेलो क्यू और हेलो क्यू, ठीक है। तो ये दोनों तो डिफरेंट वैल्यू हैं, लेकिन ये काम करने से आपको ये नहीं क्लियरिफाई हो पाएगा कि ये दोनों डिफरेंट है कि नहीं। रीज़न ये है कि जब भी कभी हम कोडिंग करते हैं, आप पाइथन में करो, पीएचपी में करो, जावा, सी सी प्लस प्लस, किसी में भी कोडिंग करो, हमेशा जो लाइंस होती हैं वो एग्जीक्यूट करती हैं लाइन बाय लाइन, दैट मीन्स कि कभी भी आपकी ये फाइल, जैसे कि हम इसको रन करने के लिए
टर्मिनल में यहाँ पर रन कर रहे हैं, तो ये रन होना चालू होती है पहली लाइन से, वन बाय वन बाय वन बाय वो एग्जीक्यूट करता चला जाता है और आपको वन बाय वन वन आउटपुट दिखता है। तो उसी लिए ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर अगर हेलो क्यू लिख दूँ और इसको मैं यहाँ पर स्मॉल क्यू लिख दूँ, ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या है, एक स्मॉल क्यू में हेलो क्यू स्मॉल लेटर में है और एक में कैपिटल लेटर में है, आपको आउटपुट क्या मिलने वाला है, आपको आउटपुट मिलेगा इस लाइन का, ना कि इस लाइन का। क्यों? रीज़न ये है, अभी आउट रन करूँगा तो आप देखना ध्यान से, इस लाइन को पहले लिखा गया है लेकिन एकदम आखिरी में ये लाइन लिखी गई है, दैट मीन्स कि ये क्यू की ओल्ड वैल्यू है और ये क्यू की न्यू वैल्यू है। मतलब ये हुआ कि क्यू में नई वैल्यू अपडेट हो चुकी है ये वाली, इसलिए हमको आउटपुट दिखेगा ये। तो मैं इसको कमेंट करके इस लाइन को अगर रन करता हूँ तो आपको क्या मिला, क्यू की वैल्यू हेलो क्यू, ध्यान देना स्मॉल क्यू नहीं मिला, क्योंकि लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है, लास्ट वैल्यू जो मिली उसने वेरिएबल को वही वैल्यू असाइन कर दी है। तो ये दोनों क्या हुआ, अलग अलग हो गया। अब हमको जो देखना था वो ये देखना था कि स्मॉल वैल्यू और कैपिटल वैल्यू जो होती है वेरिएबल्स, वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम दो वैल्यू लेते हैं, z इक्वल टू 5 और इसको इस तरीके से नहीं बता पाऊँगा, दिमाग में भी क्लिक नहीं कर रहा है, इसको अभी आगे देखता हूँ। खैर, उसके अलावा यहाँ पर कुछ आपको लीगल वेरिएबल्स मिल रहे हैं। लीगल वेरिएबल्स में क्या मिल रहा है कि आप नॉर्मली किसी भी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट कर सकते हो या किसी भी दो वर्ड के बीच में अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, दो बार करो, तीन बार, 10 बार करो, कोई टेंशन नहीं है। या आप वेरिएबल में एक वर्ड माई स्मॉल में, दूसरे का पहला वर्ड कैपिटल में, या पूरा का पूरा वेरिएबल का नाम ही कैपिटल में, या वेरिएबल का नाम लिखने के बाद में लास्ट में कोई भी इंटीजर वैल्यू जोड़ दो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप पहले कोई भी इंटीजर नहीं जोड़ सकते हो, आप कभी भी अंडरस्कोर या कोई भी अदर स्पेशल कैरेक्टर नहीं जोड़ सकते हो, या फिर वेरिएबल के बीच में स्पेस नहीं दे सकते हो। इन्हीं चीज़ का ध्यान रखना है आपको एक वेरिएबल को असाइन करते समय, इसके अलावा कुछ नहीं। वेरिएबल क्या है याद रखो, केस सेंसिटिव होता है, दैट मीन्स कि स्मॉल का ए और कैपिटल का ए जो है वो हमेशा डिफरेंट माना जाता है। मैं इसका जो है एग्जाम्पल अभी नहीं बताया हूँ, याद है, इसको मैं आगे अभी देखता हूँ। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि कोई भी तीन अलग अलग वेरिएबल को एक्स वाई जेड को एक बार में तीन अलग अलग वैल्यूज असाइन कर दी गई। तो एक्स वाई जेड को जब आप यहाँ से रन करोगे तो आपको तीनों में ये तीन अलग अलग वैल्यूज मिल जाएगी, दैट मीन्स कि एक्स में ऑरेंज, वाई में बनाना और जेड में चेरी। उसी तरीके से हम एक बार में एक वेरिएबल को तीन वेरिएबल्स को एक वैल्यू असाइन कर सकते हैं। मैं क्या लापरवाही कर रहा था, वहाँ पर इक्वल टू नहीं दे रहा था, गलती कितनी बड़ी की थी मैंने। इस वाली लाइन पे वापस आता हूँ और मैं इसको यहाँ से अनकमेंट करता हूँ, बताते समय एक्साइटमेंट में कभी कभी चीज़ें छूट जाती हैं। यहाँ पे गलती क्या है, कॉमा कभी नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि कॉमा क्या होता है, कॉमा कोई असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है। मैं यहाँ पे गलती क्या कर रहा था कि मैं तीन अलग अलग वेरिएबल्स को तीन अलग अलग वैल्यू असाइन करनी थी और मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं लगाया, कॉमा लगाया था। उसके लिए क्या करना था कि यहाँ पर मुझे तीन अलग अलग वैल्यूज़ देनी पड़ती, तो वो सिस्टमेटिकली 0, 1 और 2 के पोजीशन की तीन वैल्यूज़ को फेच कर लेता। बट यहाँ पर क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ई एफ जी तीनों को असाइन करना है 40 और असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है वो होता है इक्वल टू। अभी इसको हम आगे ऑपरेटर में पढ़ेंगे। इसीलिए जब हमने 40 को असाइन किया असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके, तो अब क्या होगा, हमें ई एफ और जी इन तीनों का वैल्यू हमको मिल जाएगा 40। तो एक बार फिर से लास्ट टाइम रन करके देखें, ध्यान दो, ई की वैल्यू 40 हो गई, एफ की वैल्यू 40 हो गई और जी की वैल्यू 40 हो गई, ठीक। और आगे बढ़ते हैं, आउटपुट देखने के लिए आपको पता ही है कि हम प्रिंट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। सिंगल कोट या डबल कोट में आप कुछ भी लिख दे रहे हो, उसका मतलब क्या होता है कि वो एक स्ट्रिंग है।
एक खास चीज, ये प्लस का कैरेक्टर, इसका यूज किया जाता है। आपने अगर कॉनकेटेनेशन शब्द को सुना हो, तो कॉनकेटेनेशन क्या होता है, दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ने के लिए, दो वैल्यूज को आपस में जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। सी, सी प्लस प्लस या PHP लैंग्वेज में कॉनकेटेनेशन के लिए पॉइंट का यूज किया जाता है, लेकिन पाइथन में क्या यूज किया जाता है, प्लस साइन का। तो नॉर्मली जब बात होती है स्ट्रिंग की, तो ये एज अ कॉनकेटेनेशन साइन यूज करता है, बट जब भी बात होती है दो इंटीजर नंबर की, उनके बीच में प्लस लगा हो, उस समय वो ऑटोमेटिक एडिशन का काम करता है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, टू कॉम्बाइन बोथ टेक्स्ट एंड अ वेरिएबल पाइथन यूज द प्लस कैरेक्टर। तो यहाँ पर ये ऑसम लिखा हुआ था, इसीलिए इसने इस साइन का यूज किया, पाइथन इज प्लस एक्स। इससे क्या हुआ, इसको मैं इसी वक्त करके दिखाता हूँ ताकि आपको डिफरेंट समझ में आ जाए। कॉनकेटेनेशन, तो यहाँ पर जो लिखा गया है इसी को मैं लिखता हूँ कि एक एक्स इक्वल टू मैंने लिख लिया हे क्या करूँ, और मैंने प्रिंट किया, और प्रिंट करते समय मैंने क्या किया, सबसे पहले तो न्यू लाइन दे दो, और इसके बाद में हमने क्या लिख दिया यहाँ पर एक्स, ओ सॉरी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो एक्स स्पेस देके कॉनकेटेनेशन का साइन एंड एक्स हे क्या करूं, अब हुआ सही। प्रिंट करके देखें इसको, मैंने इसको प्रिंट किया, आउटपुट मिला हे क्या करूं। ये क्या है, ये स्ट्रिंग है, प्लस का साइन था, एक्स में कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, कर्म करो फल की चिंता मत करो, दैट मीन्स कि ये आ गया यहाँ पे फल की, कर्म करो फल की चिंता मत करो। ध्यान देना यहाँ पर ये जो स्पेस आया है वो इसीलिए आया है क्योंकि मैंने यहाँ पर एक स्पेस दिया था, अगर ये स्पेस नहीं देता तो ये वैल्यू इससे सटी हुई आती। ठीक है, करूँ और कर्म जो है आपस में सट गए, इसलिए यहाँ पर मैंने एक स्पेस दिया था। दिखाना क्या था आपको, आपको दिखाना ये था, मान लो मैं यहाँ पर एक वाई वैल्यू लेता हूँ और इसमें मैंने दे दिया 10, ठीक है, और मैं अब यहाँ पर क्या करता हूँ वाई, तो ये सिंपली क्या करने वाला है, इसको हमने रन किया, एरर मिल गया एक लंबा चौड़ा हमको, क्या कह रहा है ये, कैन ओनली कॉनकेटेनेट एस टी आर नॉट इंट टू एस टी आर, मतलब कि हमेशा कॉनकेटेनेशन दो स्ट्रिंग के बीच में होगा, जबरदस्ती मत करो इंटीजर को कॉनकेटेनेट करने की, यही डिफरेंस था, यही दिखाना था। तो सिंपली यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉनकेटेनेशन हमेशा दो स्ट्रिंग के बीच में होता है, अगर इंट और एसटीआर को कॉनकेटेनेट करोगे तो एरर मिलेगा। ठीक, एरर मिलेगा, वही चीज़ हमने यहाँ पर देखा, अभी आगे दिखाएगा। यहाँ पर भी एग्जाम्पल दिया गया है, आप यहाँ भी इसी समझ सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज द प्लस कैरेक्टर टू एड अ वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल, मतलब कि जब भी करना है तो दो वेरिएबल्स को ऐड करने के लिए करो, जैसे कि यहाँ पर क्या है, पाइथन इज ऑसम, दोनों ही स्ट्रिंग है, दैट मीन्स कि ये कॉनकेटेनेट करेगा, और यहाँ पर क्या करेगा, 5 + 10, दैट मीन्स कि इसका एडिशन करेगा। लेकिन जब भी हम 5 और जॉन को ऐड करने की कोशिश करेंगे, हमको सिंटेक्स एरर मिल जाएगा। यहाँ पर आ गया ग्लोबल वेरिएबल, तो हमने लोकल वेरिएबल देखा था, ग्लोबल वेरिएबल के लिए ये क्या यूज कर रहा है, फंक्शन का यूज कर रहा है। हम पाइथन में फंक्शन को डेफ के थ्रू डिफाइन करते हैं, बाकी लैंग्वेजेस में फंक्शन के लिए फंक्शन कीवर्ड मिलता है, लेकिन यहाँ पर हमें कीवर्ड मिलता है डेफ। तो ये कॉन्सेप्ट हम अभी नहीं छेड़ेंगे, अदरवाइज दिमाग के तार तार हो जाएंगे, कन्फ्यूजन अलग से हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पर देखेंगे फंक्शन में, और यहाँ पर हमको ये मिलेगा, इसलिए अभी हम इसको ड्रॉप आउट कर रहे हैं, इसको ध्यान देने की ज़रूरत अभी नहीं है। जिनको पहले से आता है अच्छी बात है, अदरवाइज को ध्यान नहीं देना है, बस ये देख लो कि ग्लोबल कीवर्ड हम यूज करते हैं जब भी हमें एक लोकल वेरिएबल को ग्लोबल बनाना होता है, दैट मीन्स कि एक
वाइल्ड कार्ड एंट्री, जैसे कि आपके टीचर को एक फैकल्टी कार्ड मिला हुआ है, इसी के लिए वो वीआईपी रो में, स्टूडेंट रो में और अपनी रो में एंट्री कर सकते हैं। वैसे ही एक वेरिएबल को वाइल्ड कार्ड एंट्री दिलाने के लिए ग्लोबल कीवर्ड का यूज किया जाता है, तभी वो एक फंक्शन के दायरे से उठकर बाहर निकलता है। इसके एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं और एट द लास्ट आप यहाँ पे प्रैक्टिस करके देख सकते हो। इससे मिलता जुलता, इससे रिलेटेड अभी जो हमने वेरिएबल में देखा है, इसकी एक्सरसाइज मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। आप क्या करना, गिटहब से जाकर इस एक्सरसाइज को चेक कर लेना। आपको पता ही है कि गिटहब पे हम क्या करेंगे। गिटहब पे सारी रिपोजिटरीज पे जाता हूँ मैं, और यहाँ पर आपको मैं वैसे लिंक जो है वो दे ही चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है। आप यहाँ से जाके, आपको ये सारा कोड देखकर लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारा का सारा कोड मैं गिटहब पर दे ही रहा हूँ। आपको इजीली बस गिटहब पे जाना है, वहाँ से इस कोड को चेक करना है और यूज करना है। ठीक है, यहाँ पर बेसिक है और बेसिक का एक्सरसाइज दो फोल्डर पे अभी हम काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर दो फोल्डर्स आपको मिल रहे हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे कुछ नॉर्मल सा इंस्ट्रक्शंस मैंने लिख रखा है, उसको भी आप देख सकते हो। तो वेरिएबल के लिए इतना ही, और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है मैं यहाँ पर एड ऑन कर दूंगा 2 पॉइंट करके, उसको चेक कर लेना। तो इसको मैं एंड करता हूँ। इन केस कोई सजेशन या कुछ हो तो उसको ज़रूर बताओ, ताकि आगे क्या चेंजेस करने हैं, मॉडिफाई करना है वो पता चले। ओके देन, बाय बाय।